का टेस्ट के संबंधित जो अलग अलग क्वेश्चन हैं उस पर बात करेंगे। तो जो क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना होती है, वैसे ही गेस क्वेश्चन जो जेपीएससी हो, बीपीएससी हो और आने वाले यूपीएससी परीक्षा में भी इम्पोर्टेंट होगा, स्टेट के दूसरे एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और आपकी तैयारी कैसी है, आप अपना आंसर भी साथ में लिखते जाइएगा। हम व्याख्या भी करते जाएंगे आंसर का, लेकिन आपको अपना आंसर कोशिश करना है 30 सेकेंड में, मैक्सिमम 1 मिनट का है, 30 सेकेंड में आपको आंसर देने की कोशिश करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस एक धर्म में अनेकांत वद का, जो अनेकांत वाद है, का प्रयोग किया जाता है? यह एक सिद्धांत भी है और यह एक दर्शन भी है, दोनों भाषा में क्वेश्चन है। अनेकांत वाद जनरली यूज्ड इन विच रिलीजन? इट इज अ टाइप ऑफ थ्योरी एज वेल एज फिलोसफी। तो सही उत्तर क्या होगा? बौद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म। किस एक धर्म में अनेकांतवाद का प्रयोग किया जाता है? तो थोड़ा इसके बारे में बता दे, आप लोग आंसर कर लीजिए तब तक। अनेकांतवाद को स्यादवाद भी कहते हैं, एक दूसरा वर्ड अनेकांतवाद के लिए अगर होगा तो उसको बोला जाता है स्यादवाद। अनेकांतवाद को स्यादवाद भी कहते हैं। सही उत्तर इसका होगा जैनिज्म। और जैन धर्म में ये माना जाता है कि जीवन को 7 प्रकार से आप बोल सकते हैं, 7 टाइप्स ऑफ लाइफ कैन बी डिटरमाइंड इन जैनिज्म। जैन धर्म में 7 प्रकार के लाइफ का डिटरमिनेशन हो सकता है। तो स्यादवाद या अनेकांतवाद जो शब्द है, इसका मतलब ये होता है कि जो ज्ञान है, जो मन के अंदर की स्थिति है, वह 7 प्रकार से व्यक्त हो सकती है। पहला, क्लियर कट आप बोल सकते हैं कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज है और कोई भी चीज नहीं है। सो इफ यू थिंक अबाउट गॉड, सो इट कैन बी, वो है और नहीं है। आप सीधा सीधा डिटरमाइन होकर के बोल सकते हैं है नहीं है। कभी कभी आप ऐसा बोलते हैं है भी और नहीं भी है। सो समटाइम्स यू कैन यूज है और नहीं है, दोनों चीज को एक साथ, है भी नहीं भी है। तो ये स्यादवाद, या जिसे कहा जाता है कि जैनिज्म में इसका प्रयोग होता है। और कभी कभी आपके उत्तर हो सकते हैं कांट से कह नहीं सकते। 7 प्रकार से जैनिज्म में अनेकांतवाद को जो बोला जाता है उसमें आप ये बोलते हैं कि कह नहीं सकते, और ये भी बोल सकते हैं कि है किंतु कहा नहीं जा सकता, है ना, है लेकिन क्लियर नहीं बोल सकते, है ये पक्का है लेकिन क्लियर नहीं बोल सकते, ये लाइन भी आप बोल सकते हैं। और दूसरा आपको बता दें कि आप ये भी बोल सकते हैं कि नहीं है और कहा जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो 7 प्रकार से अनेकांतवाद को सप्तभंगी ज्ञान कहते हैं। इसको बोला जाता है सप्तभंगी ज्ञान। तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपके आंसर बन जाएंगे हमें लगता है आसानी से। और ये जो प्रश्न था कि किस एक धर्म में अनेकांतवाद का प्रयोग किया जाता है, अगर इसके जगह पर स्यादवाद लिख देगा तो भी उत्तर जैनिज्म भी होगा। और जैन धर्म के बारे बाकी चीज तो आप जानते ही हैं, हम अनेकांतवाद को डील कर दिए कि ये 7 प्रकार से सप्तभंगी ज्ञान जो होता है, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय 7 प्रोसेस, जिसमें है नहीं है, कह नहीं सकते, है लेकिन क्लियर कट कहा नहीं जा सकता, नहीं है फिर भी कह तो सकते हैं। तो ये जो आपकी डिटर्मिनेशन होती है परमात्मा को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, और उस पर ये तर्क वितर्क है जैनिज्म में। और ये क्वेश्चन इसलिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया था अनेकांतवाद को लेकर के। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकेंड जो क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है सेकेंड वाला, तो इसमें सेकेंड क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को। श्रवण बेलगोला जो है, ये भी जैन धर्म में फेमस स्थान है। श्रवण बेलगोला आप जानते होंगे,
सरबन बेलगोला में अगली बार महामस्तकाभिषेक, जो एक जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है, कब मनाई जाएगी? महामस्तकाभिषेक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच ईयर इन फ्यूचर इन श्रवण बेलगोला? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि महामस्तकाभिषेक श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर जी की मूर्ति है जैन धर्म का, और यहां पर अगली बार महामस्तकाभिषेक कब मनाया जाएगा? श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक में श्रवण बेलगोला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। आपको आंसर अगर पता है तो आंसर करें, ये कब मनाया जाएगा ये पूछा जा रहा है कि महामस्तकाभिषेक अगली बार कब मनाया जाएगा। हाल में मनाया गया था, ये हाल ही में मनाया गया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है ये जो उत्सव है, भगवान की मूर्ति को दूध से नहलाना। प्रत्येक 12 वर्षों में जैन धर्म में महामस्तकाभिषेक की प्रक्रिया होती है, और ये प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। पिछली बार, अब आपको आंसर इसका बता दें, ये 2030 में सही आंसर होगा। 2030 में ए, और लास्ट टाइम ये मनाया गया था 2018 में इसको सेलिब्रेट किया गया था, और इसके बाद 12 वर्ष जो हो रहा है 2030 हो रहा है, तो 2030 में इसे मनाया जाएगा। ये 18 मीटर ये जो मूर्ति है यहाँ पर, जो 18 मीटर हाइट है इसकी, और ये जैन धर्म का प्रसिद्ध मूर्ति है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर संत गोमतेश्वर बाहुबली के नाम से जाना जाता है इनको, और इसी स्थान पर धार्मिक जो एक प्रयोजन है महामस्तकाभिषेक का। श्रवण बेलगोला इतना इम्पोर्टेंट है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा थे, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होने लगी, तो वही चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे मगध साम्राज्य को छोड़कर श्रवण बेलगोला चले गए थे, और वहीं पर वो भूखे प्यासे रहकर अपना प्राण त्याग दिए थे। तो जो इस धर्म में कैवल्य शब्द आता है, उसकी प्राप्ति हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जैन धर्म में अगली बार 2030 में, तो आपको देखना है क्या कितना सही कर रहे हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हर क्षेत्र से क्वेश्चन है, तो आपके कितने सही होंगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन है कि हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विरूपाक्ष टेम्पल ऑफ हम्पी, इस जगह पर हम्पी होगा, ये लाइन होगा हम्पी। डिवोटेड टू विच गॉड और गॉडेस? विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी में है, वह निम्नलिखित में से किस एक भगवान या देवी को समर्पित है? भगवान शिव, देवी दुर्गा, भगवान राम और देवी काली? विरूपाक्ष टेम्पल ऑफ हम्पी दक्षिण भारत में हम्पी है, आप लोग जानते होंगे जरूर। और ये हम्पी किस भगवान को समर्पित है? तो यू शुड आंसर, आप अपना आंसर करें, और हम आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देंगे, ताकि इसके एक गेस क्वेश्चन चल रहा है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। 30 सेकंड में कोशिश करना है कि आंसर देने का, ऐसे तो एग्जाम में ज्यादा समय मिलेगा, लेकिन 30 सेकंड में दीजिएगा तो काफी होगा।
कोई उत्तर देना चाह रहे हैं? सही उत्तर होगा भगवान शिव। ये भगवान शिव को समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर ऑफ हम्पी। ये विजयनगर साम्राज्य में, हम्पी कर्नाटक में है, विजयनगर साम्राज्य में। ये जो अभी वर्तमान में देखेंगे तो बेंगलोर से, जिसको बेंगलुरु नया नाम है, तो बेंगलोर से लगभग 350 किलोमीटर दूर हम्पी है। ये विजयनगर जिसमें राजा विजयदेव राज, कृष्णदेव राय, ये सारे लोग जिसमें राजा थे, तो यहाँ पर 1509 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने भगवान शिव की आराधना करने के लिए, कृष्णदेव राय ने भगवान शिव की आराधना करने के लिए विरूपाक्ष मंदिर बनाया था, विरूपाक्ष। तो क्वेश्चन हम आपको लगातार देते जा रहे हैं और कुछ बता दे रहे हैं उसके बारे में, ताकि उसके इर्द गिर्द से कोई क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किस मुगल शासक के अनुमति से स्थापित किया था? अंग्रेजों ने सूरत में, आप लोग जानते होंगे कि सूरत में अंग्रेजों ने अनऑफिशियल अगर बोलेंगे तो 1608 ईस्वी में पहली फैक्ट्री बैठा दिया था, ऑफिशियली बोलेंगे तो 1613 में सूरत में बैठाया था। तो अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किस मुगल शासक के अनुमति से स्थापित किया था? इंग्लिश एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत आफ्टर द परमिशन ऑफ विच मुगल किंग, विच मुगल किंग। और सही उत्तर क्या होगा? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर। किस राजा के कहने पर सूरत में पहला फैक्ट्री अंग्रेजों ने बैठा दिया था? आपको सही उत्तर बताना है, विच मुगल किंग, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर। सही उत्तर क्या हो? 30 सेकंड में कोशिश कीजिए, जनरल नॉलेज की खासियत होती है कि अगर आप जानते हैं तो 30 सेकंड लगेगा आपको आंसर तक जाने में, नहीं जानते हैं तो काफी वक्त लग जाता है, उसके बाद सही उत्तर आएगा कि नहीं बोलना मुश्किल होता है। तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। 1608 में आप जानते हैं कि सूरत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जहांगीर की अनुमति से स्थापित कर लिया था। इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट थे, उसके दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत आए थे। ये भी लिख लें, जेम्स प्रथम का दूत बनकर के, एम्बेसडर बनकर के कैप्टन हॉकिंस आए थे सूरत। उस समय में जहांगीर का शासन था और जहांगीर ने परमिशन दे दिया था कि आप फैक्ट्री बैठा सकते हैं। जब वो दूसरी बार, कैप्टन हॉकिंस जब दूसरी बार 1609 में, 1609 में जब आया सूरत, तो इनको जहांगीर ने बहुत रेस्पेक्ट किया। उस समय मनसबदारी प्रथा थी जिसमें 400 मनसब भी कैप्टन हॉकिंस को दिया गया था, साथ में जागीर और खान की भी उपाधि दी गई थी। और 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए उसने अनुमति दे दिया था। बाद में सर थॉमस रे भी जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये एक तो कि कौन आया था, अगला क्वेश्चन बन जाएगा आपका, किसे खान की उपाधि दी गई थी मुगल साम्राज्य में, ब्रिटिश दूत को, तो उसमें भी आपके उत्तर बन जाएंगे कि वो दिया गया था किसको, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो दिया गया था कैप्टन हॉकिंस को।
खान की उपाधि दी गई थी। पहला अनऑफिशियल फैक्ट्री 1608 में सूरत में बैठा दिया गया था ब्रिटिश का, और अगर ऑफिशियल बोला जाएगा तो 1613 ईस्वी में सूरत में परमिशन मिला। लेकिन अगर पूर्वी तट पर पूछा जाए कि ईस्टर्न कोस्ट पर पहली फैक्ट्री कौन थी, तो आपको इसमें आंसर करना होगा मसूली पट्टनम, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर मसूली पट्टनम। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और आप लोग की तैयारी कैसी है ये भी आप साथ में देखते जाएंगे कितने क्वेश्चंस के आप आंसर कर रहे हैं। किस गोलमेज सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक रूपरेखा बना ली गई थी? इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द एक्ट ऑफ 1935 वाज ड्राफ्टेड। आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें बहुत सारी चीजों को लाया गया था, और जब भारत का संविधान अपनाया गया, भारत आजाद हुआ, उस समय 1935 का कानून के सारे चीजों को भारत में अडॉप्ट कर लिया गया था। तो इसलिए जानना जरूरी है कि ये 1935 की ड्राफ्टिंग किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तैयार कर ली गई थी। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा में सेकेंड, तीसरा में थर्ड, और चौथा में नन ऑफ दीज। किस राउंड टेबल में, गोलमेज सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अपना लिया गया था, किसमें ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा? आप लोग जैसा जानते हैं कि जब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी, और सही उत्तर है तीसरा, थर्ड। तो जब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी, उस समय उसे रोकने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। कांग्रेस सिर्फ सेकेंड में पार्टिसिपेट की थी, भी ध्यान दीजिएगा। गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए थे भाग लेने के लिए, पहला और तीसरा में नहीं गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों में गए थे। जो तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, तीसरा वाला, उसमें यह तय कर लिया गया था कि भारत के लिए चुनाव व्यवस्था लागू किया जाएगा, और 1935 का कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी लागू करेंगे। उसी के आधार पर चुनाव हुआ। जैसे आप जानते हैं 1935 के कानून में दो सदनीय व्यवस्था को हटाया गया था, और 1919 वाले कानून की जो व्यवस्था थी उसको हटा करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतों को स्वायत्तता देना, ये प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। तो जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें से करेंगे। तो आज ढेर सारे क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शंस के आपको बता रहे, और आपकी तैयारी कैसी है ये भी आपको देखना है, कितने क्वेश्चन आप बना पाते हैं। तो शुरू में क्वेश्चन कुछ प्राचीन भारत के थे, मध्यकालीन भारत के थे, और आ गया है ये मॉडर्न का। इसी प्रकार से ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन रहेंगे, संविधान के भी रहेंगे, इकोनॉमिक्स के भी रहेंगे, सारे सेक्शन के रहेंगे। आपकी तैयारी कितनी अच्छी है ये आपको दिखना है, और रेगुलर टेस्ट आप दे ही रहे हैं, तो जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उनको अपनी तैयारी देखनी है कि वो कितना स्कोर कर रहे हैं, 50% से प्लस करके जा रहे हैं, मैंने आपकी तैयारी ठीक चल रही है। अगला क्वेश्चन, 1817 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने हिंदू कॉलेज बनाने के लिए अनुदान दिया। 1817 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने हिंदू कॉलेज बनाने के लिए अनुदान दिया था,
बाद में यही कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया। कलकत्ता में बहुत फेमस है ये कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया। इसका स्थापना किसने किया था? हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर डफ, अलेक्जेंडर डफ, ये ई को एफ कर ले। दूसरा है डेविड हेयर, डेविड हेयर। तीसरा है राजा राम मोहन रॉय, और चौथा है इन सभी ने, ऑल ऑफ दीज। सही उत्तर क्या होगा? 1817 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदू कॉलेज बनाने की परमिशन दी और उसके लिए एड भी दिया, पैसा भी दिया, अनुदान भी दिया। बाद में यही कॉलेज जिसको कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने किया था? हु फाउंडेड द हिंदू कॉलेज लेटर ऑन बिकम्स प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कलकत्ता? अलेक्जेंडर डफ, डेविड हेयर, राजा राम मोहन रॉय, और इनमें से सभी। 30 सेकेंड में कोशिश करना है आंसर देने का। 30 सेकेंड में दिया गया आंसर आपका सही होगा। और ये प्रारंभिक परीक्षा लास्ट मोमेंट के क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो आपको याद रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा होगा अगर ये सारे क्वेश्चंस आप बना रहे हैं, इसके साथ थोड़ी सी जानकारी भी आप ले। सही उत्तर कोई आ रहा है? जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं वो हमारा जो नंबर है 9431156794, उसमें आपको एक मैसेज करना होगा। और जो बाहर के बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए टेस्ट अलग है, अलग है इन द सेंस कि उनको उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं दिया गया है, लेकिन जो ऑलरेडी हैं क्लासेस कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा टेस्ट हर सेक्शन में दिया जाएगा। तो उसके लिए लॉगिन पासवर्ड आईडी आपको जनरेट किया जाएगा आपकी पेमेंट होने के बाद। उसके लिए आप मैसेज कर देंगे, बाद में हमारी टीम कंसल्ट कर लेगी और उसमें आपका जो 100 क्वेश्चन है कितना स्कोर कर पाते हैं वहीं पर आपको आंसर पता चल जाएगा। लेकिन ये उसके अलग, वो टेस्ट पेपर से अलग हम ये बता रहे हैं, ये टेस्ट में नहीं है, वो टेस्ट हमारा अलग है, उसमें अलग क्वेश्चन से। उसके अलावा जो आपकी पढ़ाई हो रही है उसमें एक क्वेश्चन बता करके एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा। तो इसमें उत्तर होगा सभी लोगों, तो जिसने सही बताया था डी उनका सही होगा कि हिंदू कॉलेज जो है इसमें डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ राजा राम मोहन राय भी शामिल थे। और इसका जो स्थापना समिति बना था हिंदू कॉलेज का, उसमें राजा राम मोहन राय इसके अध्यक्ष थे, राजा राम मोहन राय इसके अध्यक्ष थे जो आप जानते होंगे। और इसमें अंग्रेजी माध्यम में राजा राम मोहन राय शुरू शुरू में इंग्लिश मीडियम के समर्थक थे और इनका मानना था कि भारत में क्रांति तभी आएगी जब लोग अंग्रेजी भाषा जानेंगे, क्योंकि सारे आर्टिकल्स, सारे बड़े लेखक के जो आर्टिकल्स होते थे वो अंग्रेजी भाषा में थे। तो इसलिए राजा राम मोहन राय का ये मानना था कि ये जरूरी है, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। और जैसे आप जानते हैं कि ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने बनाया और इनके एफर्ट के बाद रेगुलेशन 17 नाम का सती प्रथा निरोधक कानून, सती प्रथा बिकम द पनिशेबल क्राइम आफ्टर द रूल विच इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया रेगुलेशन 17, रेगुलेशन 17 के माध्यम से ये रूल लाया गया था। और उसके बाद सती प्रथा को बैन कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय भारत के वायस रहे थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब भारत में नमक सत्याग्रह आंदोलन चल रहा, अभी देखिए भी अच्छा क्वेश्चन है, जब भारत में नमक सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे?
एट द टाइम ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? रैमसे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, स्टेनले ब्लाडविन या क्लेमेंट एटली? एट द टाइम ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? भारत में जब नमक सत्याग्रह, जिसको आप दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, आप दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, सो हु वॉज द ब्रिटिश पीएम ऑन दैट टाइम? रैमसे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, स्टेनले ब्लाडविन और क्लेमेंट एटली? ये कौन थे इसमें से आपको बताना है। कोई आइडिया मिल रहा है कि नहीं को कि ये क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होना चाहिए? क्लेमेंट एटली आंसर किया है आपने, और कोई लोग जो आंसर देना चाहते हैं? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पर आप एलिमिनेशन टेक्निक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ए आंसर में ए भी आ गया, रैमसे मैकडोनाल्ड। नमक सत्याग्रह यानी कि 1930 की बात की जा रही, 1930 की बात की जा रही, 1930 ईस्वी में आप इस प्रकार से देखें, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो दांडी मार्च हुआ था उस वक्त में कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लेमेंट एटली 1947 में थे, तो एक अलग से क्वेश्चन ये बन गया। ये आपको बता दें कि अगर क्वेश्चन आएगा कि आजादी के समय, एलिमिनेशन टेक्निक से चलेंगे तब आंसर आएगा। एंड आई थिंक ऑल्सो द आंसर शुड बी रैमसे मैकडोनाल्ड, चूंकि पूना पैक्ट 1932 में हुआ था और उस समय में रैमसे मैकडोनाल्ड थे, लेकिन 1927 ईस्वी में जब साइमन की घोषणा हुई थी उस समय में ब्लाडविन थे, तो चुनाव के बाद ये हार गए थे चुनाव, उस समय स्टेनले ब्लाडविन थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा साइमन कमीशन के समय तो 1930 में रैमसे मैकडोनाल्ड आ गए थे, और भारत जब आजाद हो रहा था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे 1947 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जब गांधी जी ने करो या मरो कहा था, उस समय विंस्टन चर्चिल थे। जब गांधी जी को इन्होंने फकीर कहा, अर्धनग्न फकीर, विंस्टन चर्चिल ने कहा था 1942। तो बहुत अच्छा आप लोगों की तैयारी जिनकी है, और कहीं कहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है। सॉन्ग ऑफ द इंडिया, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द फायर ऑफ डॉन, द वर्ल्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ एवर बुक? थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं क्वेश्चन को ताकि आपको दिख पाए। अभी दिख रहा है, ऑप्शंस नहीं दिख रहे। सॉन्ग ऑफ इंडिया, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द फायर ऑफ डॉन, द वर्ल्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, दीज आर द बुक्स एंड विच इज रिटेन बाय, हु इज द ऑथर ऑफ एबव बुक्स? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, भीकाजी गामा या अरुणा आसफ अली? और काफी ढेर सारे लोगों ने आंसर किया है, अधिकांश लोगों ने आंसर किया है सरोजनी नायडू, सही उत्तर है आप लोगों का सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने लिखा था, ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही हैं, आप जानते होंगे।
प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी 1925 में कानपुर में, ये भी याद रख लीजिएगा, कानपुर में प्रथम भारतीय महिला, और 1930 ईस्वी में दांडी मार्च के समय ये जेल भी गई थी। इनको एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया था और उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नर, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जिसको भारत की कोकिला का भी खिताब मिला है, सरोजिनी नायडू, और इन्होंने कई पुस्तकों का उस समय में लिखा था और उसमें से ये सारी रचनाएं थी इनकी। एनी बेसिन, प्रथम महिला जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी 1917 में कलकत्ता में, ये आप जानते होंगे एनी बेसिन, और इनकी भूमिका थियोसॉफिकल सोसाइटी होम रूल लीग को स्थापित करने में रही है, ये भी आप जानते होंगे। और भिकाजी गामा, इनको सारे भारतीय महिलाओं की, क्रांतिकारी महिलाओं का मां कहा जाता है। पहली महिला जो विदेश में झंडा फहराई थी, स्टुअर्ट जर्मनी में भारत का झंडा फहराने का श्रेय भिकाजी गामा को जाता है। तो ये सारे कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानने से आपको फायदा होगा कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कितना भी घुमा करके। और एक और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आ गया है यहाँ पर, सेडिशन कमिटी की सिफारिश के आधार पर भारत में कौन सा एक कानून पारित हो गया जो काफी विवादित था। आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमिटी विच कंट्रोवर्शियल एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। ऑप्शन ए इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, आप सुने होंगे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट। ऑप्शन सी साइमन कमीशन एक्ट। और आंसर यहां पर आया है बी में आया है, ढेर सारे लोगों का बी में आ रहा है, ज्यादा लोग बी बोल रहे हैं। सेडिशन कमिटी के सिफारिश पर इसमें से कौन सा एक कानून आ गया था, सेडिशन कमिटी। और 30 सेकेंड में आंसर देना है आपको, कोशिश करना 30 सेकेंड में आंसर दें। जिनको पता है जस्टिस रॉलेट के अध्यक्षता में एक एक्ट आया था और सेडिशन कमिटी के बाद, सही उत्तर आप लोगों ने दिया है बी रॉलेट एक्ट, ये सही उत्तर है। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को ये भारत में जब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे पारित कर दिया तो भारत में लगातार इसमें आंदोलन शुरू हुआ था। इस कानून में खासियत थी कि 2 साल तक बिना कारण बताए हुए गिरफ्तार किया जा सकता था, 2 वर्ष तक। रॉलेट एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया था कि 2 वर्ष तक किसी को भी आपको निश्चित रूप से अरेस्टिंग हो जाएगी। और इसलिए 3 संगठन, अखिल भारतीय इस्लामिक समूह, सत्याग्रह सभा जो महात्मा गांधी ने बनाया था, और होम रूल लीग, ये 3 संगठन ने इसका विरोध शुरू किया भारत में। भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस्लामिक यूनियन ऑफ इंडिया, सत्याग्रह सभा, इट वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गांधी जी इन इंडिया, सत्याग्रह सभा, और तीसरा होम रूल लीग जो उस समय में था। ये 3 राजनीतिक संगठन ने रॉलेट कानून का विरोध शुरू कर दिया और ये कानून सेडिशन कमिटी के सिफारिश पर लाया गया था। सेडिशन कमिटी बनी थी और इसके बाद ही 18 मार्च 1919 को लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस कानून को एक्सेप्ट कर लिया था और भारत में विरोध शुरू हो गया था। फिर आप जालियांवाला बाग की घटना सुने ही होंगे। तो ये और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 का है, जब इल्बर्ट बिल लाया गया था तो इसका भारत में रहने वाले ब्रिटिश लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि भारतीय जज को यूरोपियन का केस सुनने का अधिकार दिया गया था जो पहले नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में। 7 कमीशन आप जानते हैं,
कि नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में सेवन मेंबर कमेटी की घोषणा हुई थी। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग भारत आया था, मुंबई में पहली बार सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसका विरोध शुरू हुआ था और साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। 1930 ईस्वी में साइमन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसमें बताया गया था कि भारत के हिंद में हिंदुओं के अंदर अनटचेबल लोग हैं जिनको हरिजन कहा जाता है और उनके उनको अगर अलग किया जाएगा तो भारत में ब्रिटेन ज्यादा दिनों तक राज करेगा। और मॉडलम इंटो एक्ट आप जानते हैं 1909 का है, सांप्रदायिक कानून इसे कहा जाता है, जिसमें हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करने के लिए कानून लाया गया था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग भी काफी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी है। कांग्रेस कार्य समिति की किस बैठक में जुलाई महीने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित कर लिया गया था 1942 में, इन विच सिटिंग ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी इन द मंथ ऑफ जुलाई 1942 क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वॉज एक्सेप्टेड। और सही उत्तर क्या है इसमें, पहला है बॉम्बे, दूसरा है वर्धा, तीसरा है रामगढ़, चौथा है लखनऊ। अभी उत्तर आप लोगों का कुछ लोगों का आया, 30 सेकंड का टाइमिंग है, ज्यादा लोग बॉम्बे बोल रहे हैं और देखें 30 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन है कांग्रेस कार्य समिति की किस बैठक में, इन विच सिटिंग ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी, और सारे लोगों ने आंसर ए बताया है जो गलत उत्तर है, ए इज द रॉन्ग आंसर। सही उत्तर होगा इसका वर्धा। और आप लोगों का ये गलती क्यों हुआ, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही नहीं समझा। क्वेश्चन में पूछा गया है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, नॉट द सिटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस, वो जो बॉम्बे में अगस्त महीने में हुआ था, आप याद कीजिएगा, क्विट इंडिया भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो अपनाया गया था, वह उत्तर था 8 अगस्त को, जिसको अगस्त क्रांति मैदान नाम वहां दिया गया था, वो था बॉम्बे में। लेकिन यहां क्वेश्चन है सीडब्ल्यूसी की बैठक, कांग्रेस में 1920 ईस्वी में एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई थी जिसमें 15 सदस्य होते थे और जिसकी जिम्मेवारी दी गई थी कि इंपोर्टेंट चीजों पर आप बात कीजिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक होती थी। जुलाई महीने में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव इस सीडब्ल्यूसी ने पहले पास किया था और ये किया था वर्धा में। सो द राइट आंसर इज वर्धा, ये वर्धा में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू 8 अगस्त को हुआ, ये आंदोलन फेलियर हो गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाते हुए तमाम नेताओं की गिरफ्तारी कर ली थी। ऑपरेशन जीरो आवर, रात को 12 बजते ही सभी नेताओं की गिरफ्तारी कर ली थी और इसके बाद ये आंदोलन लीडरलेस हो गया, इसमें नेतृत्व नहीं रहा। गांधी जी को आगा खान पैलेस पूना में रखा गया था, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के सेंट्रल जेल में रखा गया था, नेहरू जी और अन्य लोगों को अहमदनगर के किले में अरेस्ट करके रखा गया था। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसी समय पर विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1942 की सारी घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। और रामगढ़ तो आप जानते हैं कि 1940 का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, और लखनऊ में लखनऊ समझौता 1916 का अधिवेशन था जिसमें मुस्लिम लीग के साथ नरमवादी और गरमवादी मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड मुस्लिम लीग अगेन ज्वाइन टूगेदर एट वन प्लेटफॉर्म आफ्टर द इफेक्ट ऑफ गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक इन लखनऊ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय इसका नेतृत्व उड़ीसा से किसने किया। थोड़ा सा कठिन प्रश्न लग रहा है ये, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय इसका नेतृत्व उड़ीसा से किसने किया।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के कोलप्पन अब्दुल गफ्फार या गोप बंधु चौधरी। ये थोड़ा सा हमें लगता है कि कठिन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के समय 1930 की बात की जा रही है। सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट मतलब 1930 एंड द आंसर यहां पर आया है डी के रूप में। डी आप लोगों ने डी ठीक किया है। और चलिए मतलब हमको तो लग रहा था कि कठिन क्वेश्चन है लेकिन आंसर हमको लग रहा सही बता रहे हैं आप लोग, नाम से पकड़ पाए। सारे लोगों ने डी लग रहा है सही उत्तर है, आप लोगों ने सही कोशिश किया। और गोप बंधु चौधरी ये राइट आंसर है, गोप बंधु चौधरी। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे, नाम से भी बहुत अच्छा आप लोगों ने कोशिश किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मद्रास से कर रहे थे नेतृत्व, वहीं से इलेक्शन भी लड़ते थे मद्रास से। श्री राजगोपालाचारी के कोलप्पन नाम से लग रहा है कि साउथ के हैं, तो आपका सही कोशिश था। के कोलप्पन भी नहीं होगा। फरवरी 1930 में जो साबरमती आश्रम में कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया था लॉर्ड इरविन को, लेकिन नहीं माना गया, तो गांधी जी ने शुरुआत कर दिया था। और इसमें तमिलनाडु से राजगोपालाचारी, तिरुचनापल्ली से वेदारण्यम तक, तिरुचिरापल्ली से ये आंदोलन किए थे, वहां से लेकर वेदारण्यम तक सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट में श्री राजगोपालाचारी पार्टिसिपेट किए थे। गांधी जी ने इन्हें जिम्मेवारी दिया था। और कालीकट से लेकर पयनमार तक के कोलप्पन केरल में मलाबार तट पर, जो कालीकट है यहां से लेकर पयनार तक ये आंदोलन किया गया था। के कोलप्पन का कालीकट जो आप जानते हैं वास्को डी गामा, तो कालीकट से ही आंदोलन शुरू हुआ था। और उड़ीसा में ये बालासोर कटक और पुरी में इसको गोप बंधु चौधरी ने चलाया था, और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में अब्दुल गफ्फार ने चलाया था। ये उस समय का था। तो आप सभी लोगों का सही उत्तर था, काफी लोगों ने आंसर किया। और अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की प्रथम घोषणा 1905 में किस शहर से की गई। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन एट विच प्लेस। तीस सेकेंड का समय है आपके पास। बंगाल विभाजन का जो घोषणा था ये कोलकाता शिमला मुंबई चेन्नई क्या होना चाहिए। बंगाल विभाजन की घोषणा, ज्यादा लोग कलकत्ता बोल रहे हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा, ढेर सारे लोगों का आंसर आ चुका है कलकत्ता को लेकर के। और ऐसा कभी कभी होता है कि आप लोग हार्ड क्वेश्चन तो बना लेते हैं और आसान वाले में फंस जाते हैं। एंड द राइट आंसर इज बी शिमला। इसका सही उत्तर होगा शिमला। सबसे पहले शिमला में 19-20 जुलाई को शिमला में लॉर्ड कर्जन ने पहली बार बंगाल विभाजन की घोषणा की। फर्स्ट टाइम लॉर्ड कर्जन अनाउंस्ड फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इट वॉज शिमला। आप कभी शिमला जाइएगा तो वहां पर कर्जन हाउस अभी भी है,
अब ब्रिटिश काल से जुड़ी हुई तो सारी चीजें हैं, शिमला को राजधानी भी लोग बना दिए थे बाद में। सो शिमला इज द राइट आंसर। शिमला में पहली बार ये घोषणा किया गया था और इस घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता से सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष ने आंदोलन की शुरुआत की थी, स्वदेशी आंदोलन। और 16 अक्टूबर 1905 वह डेट है जिस दिन बंगाल विभाजन होने वाला था फाइनली, और बंगाल विभाजन से अधिकांश जो लोग थे वो नाराज थे। पूरे बंगाल में, भारत में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था जिसमें हिंदुओं ने मुसलमान को, मुसलमानों ने हिंदू को राखी बांधी थी। बंगाल पार्टीशन का उद्देश्य था कि बांग्लादेश वाला एरिया जो है, जहां पर ढाका है, और यही वो समय था जब 31 दिसंबर 1906 को आगा खान और बंगाल में तत्कालीन ढाका के नवाब सलीमुल्ला ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। तो बंगाल विभाजन का जो पर्पस था वो सही हुआ उनके लिए। और हम अगले क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। किस आंदोलन में गांधी जी ने विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही के रूप में चुनाव किया था? इन विच मूवमेंट विनोबा भावे सेलेक्टेड एज ए फर्स्ट सत्याग्रही एंड जवाहरलाल नेहरू वाज सेलेक्टेड एज ए सेकेंड सत्याग्रही बाय गांधी जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? पहला ऑप्शन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, दूसरा है इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट 1940, तीसरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 और चौथा है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इनमें से किस एक आंदोलन में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही एवं जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही के रूप में चिन्हित किया, उन्हें जिम्मेवारी दिया कि आप सत्याग्रह कीजिए, आप ही के नेतृत्व में होगा? ये जिम्मेवारी विनोबा भावे को दिया गया था। उन्होंने पवनार आश्रम से आंदोलन शुरू किया था। ये भी जीके में आता है क्वेश्चन, महाराष्ट्र का पवनार आश्रम। व्हाट शुड बी द आंसर? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और ज्यादा लोगों का उत्तर ए और बी में आ रहा है। कुछ लोगों ने लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और कुछ लोगों ने लिखा है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940। और लोग क्या आंसर देना चाहते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट गांधी जी सेलेक्टेड विनोबा भावे एंड जवाहरलाल नेहरू एज देयर फर्स्ट एंड सेकेंड सत्याग्रही? सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस 1930, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940, असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन 1920 एंड भारत छोड़ो आंदोलन 1942। एंड द राइट आंसर इज व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। ये गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत की थी। जो लोगों का आंसर बी था उनका सही है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किया था 1940 में। और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसमें विनोबा भावे को और जवाहरलाल नेहरू को प्रथम और दूसरा सत्याग्रही के रूप में उन्होंने चिन्हित कर दिया था। तो सही आंसर आपको मिल गया और जो लोग बी टिक किए थे उनका सही है। काफी क्वेश्चन,
आपके लिए आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोम्पेन ट्राइब विच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 400 इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। सोम्पेन जनजाति जिसकी जनसंख्या भारत में सिर्फ 400 है वह भारत के किस प्रांत में पाई जाती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नीलगिरी माउंटेन एरिया, दूसरा अंडमान निकोबार आइलैंड, तीसरा लक्षद्वीप आइलैंड और चौथा छोटानागपुर प्लेटो। आप लोगों ने आंसर जल्दी से किया है, ज्यादा लोगों ने बी किया है और ये सही उत्तर है। आप लोगों का सही उत्तर है बी, सारे लोगों ने बी किया है, बी सही उत्तर है एंड इट इज द राइट आंसर बी अंडमान निकोबार आइलैंड। सोम्पेन जनजाति जो है ऑनजेज जरावा दीज ऑल आर लोकेटेड इन अंडमान निकोबार आइलैंड। नीलगिरी पर टोडा जनजाति रहती है जो कॉफी कल्टीवेशन करती है। नीलगिरी भारत में वह एरिया है जिसके एक ओर में चाय की खेती होती है और इसके दूसरी ओर में कॉफी की खेती की जाती है। तो चलिए भारत में अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है और सारे लोगों का इस बार सिलेक्शन होगा। भारत में मोनाजाइट जिसे थोरियम निकाला जाता है, एटॉमिक रिएक्टर में काम होने वाला थोरियम, भारत में मोनाजाइट और थोरियम का भंडार किस तटीय प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इन विच कोस्टल एरिया मोनाजाइट एंड थोरियम डिपोजिटेड मैक्सिमम इन इंडिया। पहला ऑप्शन है कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट। दूसरा ऑप्शन है उत्तरी सरकार तट, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश का तटीय प्रदेश, आंध्रा कोस्ट। और चौथा ऑप्शन है मलाबार तट, मालाबार कोस्ट। सो व्हाट शुड बी द आंसर? कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट, आंध्र प्रदेश कोस्ट, मालाबार कोस्ट। भारत में मोनाजाइट जिससे थोरियम निकाला जाता है एकमात्र ऐसा तटीय प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में सबसे ज्यादा डिपोजिशन मोनाजाइट का है। ऐसे तो भारत में ढेर सारे मिनरल मिलते हैं लेकिन इसमें से कौन सा एक तट है जहां पर थोरियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं? क्या होगा आंसर? 30 सेकेंड में कोशिश कीजिए देने का। नाम सुना है आप लोगों ने, आंध्र प्रदेश कोस्ट अभी तक आंसर कुछ आया है। और लोग कोशिश करें क्या आंसर होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि ये तट कहां कहां पर है, ये तट का लोकेशन कहां पर है? कभी आप लोगों ने पढ़ा या फिर थोड़ा अंदाज लगा रहे हैं इस पर? सारे लोगों का उत्तर एक ही दिशा में जा रहा है, आंध्र प्रदेश का तटीय प्रदेश। और अभी तक जितने भी उत्तर आए हैं सारे लोगों का उत्तर एक ही दिशा में ही गया है, आंध्र प्रदेश का तटीय प्रदेश। और ये गलत उत्तर है, सही उत्तर होगा मलाबार तट। सही उत्तर मलाबार तट। कोरोमंडल तट तमिलनाडु वाले तट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। उत्तरी सरकार उड़ीसा के तटीय प्रदेश को बोला जाता है। उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश आप लोगों ने टिक किया था, आंध्र प्रदेश के किनारे वाला भाग ये केरल में है। मलाबार तट, मोनाजाइट, थोरियम जिसको कहते हैं मलाबार तट। और ये आप लोगों का गलत हो गया, गलत नहीं होना चाहिए था, आसान सा क्वेश्चन था, ये बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था इसलिए गलत नहीं होना चाहिए था ये उत्तर को, इसमें सही करना चाहिए था आप लोगों को। तो मलाबार तट सही उत्तर होगा मलाबार। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पंबर भवानी और कबानी दक्षिण भारत की नदी है, इसकी दिशा कौन सी है? ये भारत में किस दिशा में प्रवाहित होती है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, किधर? पंबर भवानी और कबानी नदी दक्षिण भारत में किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? बिना एटलस का ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप लोगों को थोड़ा एटलस के साथ में रहना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, एटलस चाहिए। कोई आइडिया मिल रहा है किसी को? नाम सुने नदी का, पंबर भवानी और कबानी, दक्षिण भारत में तो आमतौर पर लोग गोदावरी कावेरी कृष्णा का नाम सुनते हैं, ये तो नई नदियां हैं, पंबर भवानी और कबानी, इसका नाम सुने? पश्चिम की ओर लिखा है इन्होंने, डी डी होगा। अंदाज से चल रहा है या फिर वास्तव में जान रहे हैं? कुछ लोगों ने ये भी लगाया है, अंदाज है या फिर जान रहे हैं? एक आंसर बी भी आया है। और सही उत्तर होगा पूरब की ओर ईस्ट। सब सोचिए कि आप लोग सारे लोग अलग अलग अंदाज लगाए, लेकिन सारे लोग अलग अलग अंदाज लगाए लेकिन सही नहीं हो पाया। सही उत्तर होगा पूरब की ओर, ये नदियाँ पूरब की ओर, केरल में ही ये नदी बहती है, ये पूरब की ओर बहती है और नर्मदा और ताप्ती जो है वो पश्चिम की ओर जाती है नदी। अगर वो ऑप्शन में रहता है तो उसमें बेस लगा सकते थे। और बाकी आप थोड़ा सा देखेंगे एटलस तो इसको तो रटना नहीं है कि कौन सी नदी किधर बहती है, एटलस में नदी की धारा देख करके आप समझ जाइएगा कौन किधर जा रही है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इस वक्त में और समय भी समाप्त होने वाला है, तो अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ओवर चेनाब रिवर? कौन सी जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है? एंड द ऑप्शन आर चूखा, माता टीला, दुलहस्ती एंड मयूराक्षी। बहुत जल्दी से उत्तर आप लोगों ने सीख किया और ये उत्तर सही है, दुलहस्ती। ठीक है, दुलहस्ती आप लोगों ने सही किया, दुलहस्ती प्रोजेक्ट। चूखा परियोजना जो है ये इंडिया और भूटान का ज्वाइंट वेंचर वाला है। माता टीला ये मध्य प्रदेश के आसपास होगा, बेतवा नदी पर है, चूंकि माता टीला तो बीचों बीच नदी है वो। और मयूराक्षी झारखंड और बंगाल की ज्वाइंट वेंचर में चलने वाली योजना है, मयूराक्षी परियोजना। सो द आंसर इज दुलहस्ती, दुलहस्ती। गुजरात में लोहे का व्यवसाय करने वाला समुदाय जो नमक निकालने के लिए लोहे का बर्तन बनाता है, उस समुदाय को क्या कहते हैं? गुजरात का एक समुदाय जो सॉल्ट पैन का निर्माण करता है, उस समुदाय क्या कहा जाता है? उस समुदाय को क्या कहते हैं? और आपके उत्तर है बहुरूपिया कम्युनिटी, अगड़िया कम्युनिटी, गोंड समुदाय या धौलपुरा समुदाय। उस समुदाय को क्या कहते हैं जो गुजरात में नमक निकालने के लिए सॉल्ट पैन बनाने का निर्माण करता है, लौह के व्यवसाय से जुड़ा हुआ वह समुदाय? ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा अलग हट करके नया क्वेश्चन होगा। उस समुदाय को क्या कहा जाता है?
जितना ज्यादा क्वेश्चन अभी लास्ट मोमेंट पर आप बनाएंगे उतना फायदा होता है। इसलिए हम पहले से बोलते थे कि टेस्ट सीरीज हमेशा अंत में दीजिए, पूरी चीजों को पहले पढ़ लीजिए और फिर टेस्ट में आप लोगों को आना चाहिए। और ज्यादा लोगों ने उत्तर बी बताया, और जिसको जिसको हम मानते हैं कि कठिन क्वेश्चन है उसका उत्तर आप लोग आसानी से दे रहे, और जिस जो हमें लगता है कि बड़ा आसान है उसका उत्तर आप लोग गलत कर रहे हैं। तो अगड़िया समुदाय इज द राइट आंसर। अगड़िया गुजरात में, अगड़िया समुदाय जो है ये यहाँ पर जो नमक निकालते हैं और इसके लिए सॉल्ट पेन वर्कर्स के रूप में ये जाने जाते हैं, तो सही उत्तर अगड़िया होगा। भारत में वर्तमान में कितने बंदरगाह को, मतलब हार्बर को मेजर हार्बर कहा जाता है? अगला क्वेश्चन नहीं है कि भारत में कितने बंदरगाह को प्रमुख बंदरगाह का दर्जा मिला है। हार्बर, हार्बर का मतलब होता है कि जब तूफान आ जाएगा तो उसके नेचुरल स्ट्रक्चर के चलते वो शिप वहां खड़ा हो सकता है, उसको हार्बर बोलते हैं। और बहुत जल्दी से आंसर दिया आप लोगों ने, 12 सही है, 12 ये सही उत्तर है, सी ठीक है। किस देश ने अभी हाल ही में अपनी नई राजधानी पुत्रजाया के रूप में विकसित किया है? पुत्रजाया, किस देश ने हाल ही में अपनी नई राजधानी पुत्रजाया के रूप में विकसित किया है? ब्राजील, मलेशिया, तुर्कमेनिस्तान, इंडोनेशिया। पुत्रजाया, कोई आइडिया मिल रहा है आप लोगों को? किस देश ने हाल ही में नई राजधानी पुत्रजाया को बनाया है? तुर्कमेनिस्तान, ब्राजील, मलेशिया, तुर्कमेनिस्तान, इंडोनेशिया। पुत्रजाया, कोशिश करें बताने का। ज्यादा लोगों का उत्तर कहां जा रहा है? कुछ लोगों का डी है, डी मतलब इंडोनेशिया, और कुछ लोगों ने, एक ही लोगों ने बी बोला है, मलेशिया। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? पुत्रजाया, और सही उत्तर होगा पुत्रजाया के लिए मलेशिया। सही उत्तर है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी ऐसे तो कुआलालंपुर है, लेकिन अब ये राजधानी शिफ्ट होकर के पुत्रजाया के रूप में विकसित हो गई। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे तो ढेर सारे क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इनमें से किस नदी के किनारे है? न्यूयॉर्क का नाम आप सुन रखे हैं तो आपको बताना है कि किस नदी के किनारे है न्यूयॉर्क। हडसन का उत्तर आया है, न्यूयॉर्क। नाम सुने आप लोग, स्प्री नदी कहाँ है? कभी नाम सुना आपने स्प्री का? स्प्री रिवर, और डी सही उत्तर है, हडसन। और ये स्प्री रिवर कहाँ है? स्प्री ये बर्लिन, जर्मनी के का जो बर्लिन नगर है ये स्प्री के किनारे है, और थेम्स लंदन आप जानते हैं, और डेन्यूब जो है इसके किनारे विश्व की सबसे ज्यादा राजधानी है। डेन्यूब के किनारे यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है डेन्यूब। तो बहुत सी राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, रोमानिया का बुचारेस्ट, हंगरी का बुडापेस्ट, ऐसी बहुत ढेर सारी राजधानी डेन्यूब के किनारे। मरकरी और वेनिस के अगर सैटेलाइट को मिला दिया जाए, बुध और शुक्र के सैटेलाइट को अगर मिला दिया जाए, तो कुल मिलाकर
उनके मून की संख्या कितनी हो जाएगी? इफ वी एडेड द मून ऑफ मरकरी एंड वेनस देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट? बुध और शुक्र के कुल उपग्रह को जोड़कर क्या होगा उत्तर? अच्छा, ज्यादा लोगों ने उत्तर किया है इसमें जीरो, सही है, क्योंकि मरकरी और वीनस के कोई भी मून नहीं है, सो द आंसर इज बी, जीरो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का मध्य सतह जिसको मेंटल कहा जाता है, वह किस चीज से बना होता है? पृथ्वी का मध्य सतह जिसको मेंटल कहा जाता है, वह किस चीज से बना होता है? ऑलिविन पायरोक्जिन, निकल फेरस, सिलिका एल्यूमिनियम या यूरेनियम? ऑलिविन पायरोक्जिन, निकल फेरस, सिलिका एल्यूमिनियम या यूरेनियम, जो पृथ्वी का पहला भाग जो है जिसको मेंटल बोलते हैं, मेंटल, वह किस चीज से बना होता है? कुछ लोगों ने निकल फेरस बताया है और एक आंसर आया है सिलिका एल्यूमिनियम का। क्या होगा सही? तब मेंटल मुख्य रूप से किस चीज से बना होता है? मेंटल। तो ज्यादा लोगों ने चूंकि सी को टिक किया है तो इसका उत्तर सी मान लेंगे। इसका सही उत्तर अभी तक नहीं किसी ने बताया और सही उत्तर होगा ऑलिविन पायरोक्जिन। निकल फेरेस ये इनर कोर जो है उसका, और सिलिका एल्यूमिनियम जो है ये सियाल जो क्रस्ट का ऊपरी भाग होता है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट सिलिका एल्यूमिनियम, और उसके निचले भाग क्रस्ट का निचले भाग को सिलिका मैग्नीशियम बोलते हैं, सीमा। मेंटल जहां से भूकंप तैयार होता है, लावा वाला एरिया ऑलिविन पायरोक्जिन वाला होता है, और सबसे अंदर निकल और फेरस है जहां पर मैग्नेटिज्म का गुण आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को जो केंद्र सरकार भारत में बना हुआ था, अंतरिम गवर्नमेंट, उसमें मंत्रालय की कुल संख्या कितनी थी? 15 अगस्त 1947 को केंद्रीय सरकार भारत में मंत्रालय की कुल संख्या कितनी थी? 15 अगस्त 1947 को केंद्र सरकार भारत में मंत्रालय की कुल संख्या कितनी थी? अंतरिम सरकार 1946 में बना था भारत में, और यही सरकार कंटिन्यू रह गया था आजादी के समय। उस समय कितने मंत्रालय थे? वर्तमान में तो आप जानते हैं कि मंत्रालय मंत्री जो है 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं लोकसभा का, विधानसभा में भी यही रूल लागू है, और ये आप लोगों ने सही उत्तर दिया है 18 मंत्रालय, सही 18 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट का गठन, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट का गठन किस वर्ष हुआ था? कैट का गठन किस वर्ष हुआ था? नाइनटीन एटी फाइव, 95, 2000, 2005, कैट
इसके सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों होते हैं। सचिव और अतिरिक्त सचिव के स्तर के पदाधिकारी होते हैं ये लोग। और कैट का गठन 1985 से ही 1985 में हुआ था। इसके जो मेंबर होते हैं न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्र से आते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पे आपने किया और आप टेस्ट जो चल रहा है रेगुलर टेस्ट की संख्या बढ़ा दी जाएगी आने वाले समय में। जो आप दे रहे हैं लॉग इन करके उसको देते रहिए, ये अलग से आपका चलता रहेगा। तो जितना ही बताएंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।